अब मेरी फहरिस्त में एक बहुत ही मोतबर नाम है बेअदब लखनवी साहब का, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत हैं। मैं उनका नाम भले ही बेअदब हो, मगर मैं उनसे बहुत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि आइए सर और आप अपना कलाम पेश करें। इससे पहले मैं चार मिसरे आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मोहब्बत हौसलों और अज़्म को पतवार कर लेंगे, खुदा ने चाहा तो गम का ये दरिया पार कर लेंगे। हमारे हिंद का गुलशन कभी मुरझा नहीं सकता, लहू से सींच कर अपने इसे गुलजार कर लेंगे। आइए सर आप अपना कलाम पेश करें। शुक्रिया। बेअदब हूँ मैं तो यारो, बेअदब हूँ मैं तो यारो, और बेअदबी मेरा काम है, और जो हैं धर्म धरा के रक्षक उनको मेरा सलाम है, उनका मेरा प्रणाम है। माँ शारदे को नमन, मंचस मनीषियों को नमन, और आपसे सभी विद्वत जनों को नमन करने के उपरांत सदरे मोहतरम से इजाज़त लेते हुए मैं उससे भी इजाज़त लेना चाहूँगा जिसकी इजाज़त के बिना मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ता हूँ। हैं वो किस लिए कि मैं बता दूँ आपको, न समझो तुम इसे भोली, न सपनों की ये रानी है। वाह। न समझो तुम इसे भोली, न सपनों की ये रानी है। और देख सकते हैं आप, न तन से ही है ये दुर्बल, शैतानों की ये नानी क्या है। क्या कहने, वाह। ये कल्ला फाड़ देती है जब अपनी जिद पर है आती, ये कल्ला फाड़ देती है जब अपनी जिद पर है आती, पटक कर ताल तलैया में पिला देती ये पानी है। पटक कर ताल तलैया में पिला देती ये पानी है। और दोस्तों, जैसा कि घर को एक मंदिर कहा गया है, आप सभी हजरात से गुजारिश है, तालियों पर कोई पाबंदी नहीं है, जहां भी शेर आपको पसंद आए वो आप उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। जैसा कि घर को एक मंदिर कहा गया है, और मंदिर में किसी देवी का स्थान होता है, तो घर की जो देवी होती है उसको गृह लक्ष्मी बोलते हैं हम लोग, लेकिन उसको बराबर सम्मान नहीं मिलता है, लोग नहीं देते हैं। लेकिन मेरा मानना दूसरा है, मैं हमेशा सुबह उठ करके सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम करता हूँ, उन्हीं के चरण स्पर्श करता हूँ, और उसके बाद जब भी कोई काम करता हूँ तो उनके आशीर्वाद से ही घर से मैं निकलता हूँ। कामयाबी का राज। तो देखिए, एक छोटा सा मेरा वो है, एक कविता है वो, जय जय हे घरवाली माता, जय जय हे घर वाली माता, जय जय हे घर वाली माता, जय जय हे घर वाली माता। जो नर तुमको ब्याह के लाता, जो नर तुमको ब्याह के लाता, घर से बेघर वो हो जाता। जो नर तुमको ब्याह के लाता, घर से बेघर वो हो जाता। दर दर की वो ठोकर खाकर, दर दर की वो ठोकर खाकर, अपनी करनी पर पछताता। अपनी दर दर की वो
ठोकर खा कर अपनी करनी पर पछताता। जय जय हे घरवाली माता, जय जय हे घरवाली माता। वाह। द्वार तुम्हारे जो कोई आता, हाथ जोड़ तुम्हें शीश नवाता। बहुत नया प्रयोग है ये, तुम्हारे पहली बार सुनी है। जो कोई आता, हाथ जोड़ तुम्हें शीश नवाता। अपना पूरा परिचय देकर, अपना पूरा परिचय देकर आने का हो देश बताता। वाह 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 वाह। पूरा परिचय देकर आने का हो देश बताता। जय जय हे घरवाली माता, जय जय हे घरवाली माता। खाली हाथ देख लेती हैं गेट के बाहर से कि ये निठल्ला खाली आया है, तो उसके साथ क्या होता है देखें। खाली हाथ जो कोई आता, चाय पानी ना पूछा जाता। खाली हाथ जो कोई आता, चाय पानी ना पूछा जाता। बैठने की तो बात अलग है, घर के भीतर घुस भी ना पाता। वाह। बैठने की तो बात अलग है, घर के भीतर घुस भी ना पाता। जय जय हे घरवाली माता, जय जय हे घरवाली माता। चिमटा बेलन शास्त्र तुम्हारे, चिमटा बेलन शास्त्र तुम्हारे। कटी में ताला कुंजी धारे, चिमटा बेलन शास्त्र तुम्हारे। कटी में ताला कुंजी धारे। आंसू को जब नहीं जीत पाती हैं, सारे तिकड़म कर लेती हैं जब आदमी से जीत नहीं पाती हैं। आंसू को हथियार बना कर जीते तुमने जंग है सारे। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह। हथियार बना कर जीते तुमने जंग है सारे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को आज इतने अधिकार मिल गए हैं कि अगर आप सच भी बोल रहे होंगे तो आपकी नहीं सुनी जाएगी, और वो झूठ भी बोल रही होगी उसकी बात सच मान ली जाएगी, है ना। उसी पर हम तो जानते हैं, जिस दिन शादी हो करके आई उसी दिन से हमने हाथ जोड़ लिया, नतमस्तक हो गए। जो तुम्हें करना हो करो, हम नहीं बोलेंगे। घर वाले हमसे कहते हैं कि भाई अपनी बहू को समझाओ, बीवी को समझाओ, देर तक सोती रहती है, लेकिन हम कहते हैं भाई तुम लोग बोलो, हम नहीं बोलेंगे, हमें जेल नहीं जाना है, है ना। इसलिए महाराज अच्छे अच्छे पानी मांग जाते हैं भाई बहुत सुंदर प्रस्तुति चल रही है। पहले ही दिन से हमने उनको पूरी छूट दे दिया है कि तुम जो तुम्हारी समझ में आए करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आवाज नहीं आ रही, और कुछ आवाज कम लग रही है। अब सही है। ठीक है, पढ़िए पढ़िए। हेलो 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 हेलो। हाँ, आप ठीक है। तो मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। तुम सोती रहो। क्या कहने।
तुम सोती रहो मैं जगाता रहूं। और जब सो के नहीं उठेंगे, हमें ड्यूटी जाना है तो मजबूरी, हम अपने हाथ से उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, चाय बनाएंगे और सोचते हैं कि लाओ जब चाय बना ही रहे हैं तो एक कप चाय मोहतरमा को भी दे दें। बेगम साहिबा को कह देते हैं ठीक है मत उठो लेकिन चाय पी लो फिर सो जाना। वाह। तुम सोती रहो मैं जगाता रहूं, चाय तुमको बनाकर पिलाता रहूं। वाह क्या कहने। अमोंग सीने पे तुम मेरे दलती रहो और दर्द सह कर भी मैं मुस्कुराता रहूं। तुम सोती रहो और नाम उठने का तुम न लेना कभी, चाहे मिन्नत करें घर के लोग सभी, कह न पाओ में मेरे है मेहंदी लगी, पाँव रखा जमी पर मिटर जाएगी, पाँव रखा जमी पर मिटर जाएगी, तुम सोती रहो। और वाह 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 वाह। जब हम कहते हैं कि भाई हमको सुबह जल्दी ड्यूटी जाना है, कहते रहने तो हमको मालूम है कहाँ जाना है, हमसे मत बताओ, हम सब जानते हैं कहाँ जाते हो, क्या करने जाते हो, कहाँ अय्याशी करते हो। तो वो घर में बैठे बैठे उनके पास ऐसा वो स्कैनर लगा हुआ है कि वो सब जान लेते हैं कि वो कहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। तो GPS जो है तो इसीलिए हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है। और टांग मेरी सदा तुम खींचा करो, मैं कहाँ जाता हूँ मेरा पीछा करो, और बचलन मुझको तुम बताया करो, गाल अपने ही हाथों बजाया करो, गाल अपने ही हाथों बजाया करो, तुम सोती रहो। और बात मेरी कभी, हम जो भी बात कहते हैं वो बात काट देती है, हमेशा अपने मन की करती हैं। तो बात मेरी कभी तुम न माना करो, और राड़ मुझसे हमेशा तुम ठाना करो, और बेअदब मुझको तुम बताया करो, और बेहयाई से तुम मुस्कुराया करो, बेहयाई से तुम मुस्कुराया करो, तुम सोती रहो मैं जगाता रहूं, चाहे तुमको बनाकर पिलाता रहूं, और मूंग सीने पे तुम मेरे दलती रहो, और दर्द सह कर भी मैं मुस्कुराता रहूं, दर्द सह कर भी मैं मुस्कुराता रहूं, तुम सोती रहो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया।